दो मार्च को देश छोड़ने के बाद पहली बार विजय माल्या का ट्वीट भगोड़ा बताने के आरोप को बताया गलत। विजय माल्या ने कहा, मैं हूं अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी, बिजनेस के सिलसिले में विदेश आना जाना लगा रहता है। माल्या ने कहा, सांसद होने के नाते कानून का करता हूं सम्मान, हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत, मीडिया ट्रायल पर एतराज। विजय माल्या के देश छोड़ने को लेकर सीबीआई और आईबी आमने सामने। सीबीआई ने पूछा, लुकआउट सर्कुलर के बावजूद कैसे हुई चूक। संसद में दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है विश्व सांस्कृतिक समारोह, आर्ट ऑफ लिविंग की 35वीं सालगिरह पर भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं कार्यक्रम का उद्घाटन, एक मंच पर सजेगा भारत की विविधता का सौंदर्य। कार्यक्रम में 20,000 दिग्गज हस्तियों के साथ 155 देशों के मेहमान, ट्रैफिक के लिए पुलिस की तरफ से खास इंतजाम। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए कड़ी चौकसी, 10,000 जवानों की रहेगी तैनाती। श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को एनजीटी की चेतावनी, आज 5 करोड़ जुर्माना भरने की डेडलाइन, नहीं तो कानून करेगा अपना काम। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर विश्व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन, 7 एकड़ का सजा है मंच। मंच पर लगाए गए हैं 9 गुंबद, रंग बिरंगी रोशनी के लिए हाईटेक तैयारी। कार्यक्रम के लिए यमुना की 1,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल, दर्शकों के लिए आखिरी पंक्ति तक लगे रहेंगे एलईडी स्क्रीन। 3 दिन तक चलेगा ये भव्य समारोह, 35 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सिर्फ स्टिकर वाली गाड़ियों को ही अंदर जाने की इजाजत, लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। बीजेपी नेता ओमजी माथुर की राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी, जेएनयू मामले में समर्थन के लिए देशद्रोह का केस चलाने की मांग। ये कि हमारे खानदान को कोई डस्टबिन में फेंकेगा, वो तो रोच लीजिएगा, हमारा भी क्यों, अब तो राहुल का कारखाना भी बंद है आगे से, ये तो शायद सोचता है उसका बेटे का भी नाम चलता हो, इनकी कल्पना नहीं। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू, लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर की क्लास। बैठक में जिलाध्यक्ष, उप जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, एआईसीसी सदस्य और कुछ विधायक भी शामिल, 5 घंटे तक हुआ मंथन। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर कैंपस में हमला, गाजियाबाद के एक युवक पर आरोप, छात्रों ने दबोचा। कन्हैया पर हमला करने वाले युवक की दलील, जेएनयू अध्यक्ष ने देश को दी है गाली। जून 2015 में कन्हैया पर लगे थे महिला से बदसलूकी के आरोप, जांच के बाद लगाया गया था 3,000 रुपए का जुर्माना। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज, कोर्ट में दिए शपथ पत्र के उल्लंघन का आरोप। इलाहाबाद में कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने लगवाए पोस्टर, सेना के खिलाफ बयान को लेकर नाराजगी। सेना पर दिए बयान को लेकर कानपुर में भी कन्हैया के खिलाफ केस, प्रोफेसर निवेदिता भी हैं आरोपी। हाथरस में मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कन्हैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की रखी मांग, सेना के खिलाफ साजिश का आरोप। सेना पर कन्हैया कुमार के भाषण को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भारतीय सेना के सम्मान के खिलाफ बयान। सेना पर कन्हैया के बयान पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा, सही प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए बात। विवाद को लेकर कन्हैया ने अपने भाषण में दी सफाई, मैंने सैनिकों के सम्मान की भी कही थी बात, भाषण को काट छाट कर दिखाया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को नोटिस, सरकारी आवास छोड़ने का आदेश। नियम के मुताबिक सरकार नहीं रहने के 1 महीने के अंदर छोड़ना होता है आवास, नोटिस में 1 हफ्ते की डेडलाइन। मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार खाली कर चुका है सरकारी आवास, बीजेपी की मांग, हारे हुए विधायक भी खाली करें मकान। आज से राजस्थान के नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक, वर्दी में बदलाव का प्रस्ताव, खाकी निकर की जगह नीले रंग की फुल पैंट। वर्दी के साथ 3 नए प्रस्ताव होंगे पारित, सस्ती शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और जाति भेद के खिलाफ काम करने का संकल्प। मुंबई के अंधेरी में एक ऑटो में लगी आग, पुलिस के मुताबिक इस मामले में किसी के खिलाफ शिकायत नहीं। बीजेपी के महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक योगेश सागर के दफ्तर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हमला, एमएलए ने किया था राज ठाकरे के बयान का विरोध। बीजेपी विधायक योगेश सागर के दफ्तर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर की पत्थरबाजी, फाड़ डाले पोस्टर।
राज ठाकरे के बयान को लेकर गरमाई सियासत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, महाराष्ट्र को न समझें अपनी जागीर। मुंबई में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर पुलिस ने चलाई लाठियां। रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पास, तय वक्त और वादे के हिसाब से कंपनियों को देना होगा घर। ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री से की मुलाकात, 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुद्दा। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से नाराज सर्राफा कारोबारी, अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन। सैफई में सीएम अखिलेश यादव के भाई की शादी का जश्न, डिंपल यादव ने जमकर किया डांस। अखिलेश यादव भी इस मौके पर तालियां बजाते आए नजर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान की सड़क दुर्घटना में मौत, शिवपाल यादव के बेटे की शादी में शामिल होने जा रहे थे सैफई। विधायक की गाड़ी नीचे नदी में गिरने से हादसा, इरफान समेत 3 लोगों की मौत। एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं जाट नेता, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस हटाने की मांग। रोहतक में जाट एकता पंचायत, अगले आंदोलन के लिए 51 सदस्यीय कमेटी का गठन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी जमीरुद्दीन शाह ने स्मृति ईरानी से की मुलाकात, टाल गए मीडिया के सवाल। अब भी पुराने हथकंडे पर अड़ा है पाकिस्तान, आंतरिक सुरक्षा मामले के मंत्री ने कहा, भारत के भरोसे के बाद ही रवाना होगी टीम। पाकिस्तान की शर्त को भारत ने किया खारिज, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी टीमों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। पाकिस्तान मीडिया का दावा, अगले 24 घंटों में भारत के लिए उड़ान भर सकती है पाकिस्तानी टीम। कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू हुई मैच की तैयारी, 19 मार्च को प्रस्तावित है पाकिस्तान से मुकाबला। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के घर पर T20 वर्ल्ड कप के लिए वीडियो लॉन्च, लिफ्ट द वर्ल्ड कप अगेन नाम से तैयार किया गया गाना। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से हैकर्स ने उड़ाए $100 मिलियन, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक में था अकाउंट। श्रीलंका और फिलीपींस में ट्रांसफर किए गए थे पैसे, श्रीलंका का फंड वापस, फिलीपींस में निकाल लिए गए पैसों का सुराग ढूंढने की कोशिश। कोलकाता में चिट फंड स्कैम में सीबीआई की कार्रवाई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता एयरपोर्ट के गेट के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने जांच की। पुणे में दक्षिण कमांड के जीओसी निवास के पास चंदन के पेड़ों की चोरी, सुरक्षा में चूक पर सवाल। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में चलती कार में रेप, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची की बुआ का दोस्त था आरोपी, किसी को बताने पर तेजाब से जलाने की दी धमकी। राजस्थान के धार में नाबालिग आदिवासी लड़की को अगवा किया, 2 दिन तक गैंगरेप। पहले हादसे के बाद मदद के बहाने कुछ लोगों ने मासूम को फिर बनाया दरिंदगी का शिकार, मामले में 8 लोग आरोपी। यूपी के एटा में ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत, 1.5 साल पहले हुई थी शादी, दहेज के लिए सताने का आरोप। दिल्ली के पूर्व निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन पर 1 लाख का इनाम, घर से मिले थे AK-47 और दूसरे हथियार बरामद। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में शादी के जश्न में फायरिंग, बारात पक्ष के 4 लोग घायल। दिल्ली के विवेक विहार में घर के बाहर से कार की चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। हाथरस में रुई की फैक्ट्री में आग, करीब 1 करोड़ के नुकसान की आशंका। हाथरस में आग बुझाने जा रही दमकल गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर, 5 लोग घायल। राजस्थान के दौसा में बड़े भाई और पत्नी ने मिलकर ली एक शख्स की जान, पोस्टमार्टम के दौरान खुलासा। अवैध रिश्तों की वजह से रची थी हत्या की साजिश, मुआवजे के लिए ले गए थे शव का पोस्टमार्टम कराने। राजस्थान के धौलपुर जिले में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, 2 ट्रक की टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी आग। कपड़ों से भरे ट्रक में आग पर काबू पाने में हुई मुश्किल, हादसे की वजह से लगा जाम। गुड़गांव में झुग्गी झोपड़ी के पास हादसा, 2 साल की जुड़वा बच्चियों के गड्ढे में डूबने से मौत। असम के सोनितपुर में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के उग्रवादियों से मुठभेड़, 1 उग्रवादी की मौत। फैजाबाद में शराब पीने को लेकर झगड़े में पत्नी की हत्या कर पति ने खुद को मारी गोली, घर में 7 और 4 साल के 2 बच्चे।
लखनऊ में 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पिता के खराब व्यवहार को ठहराया जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, आरोपी की पत्नी ने किया खुलासा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मंदिर के अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप, पुजारियों का प्रदर्शन। कर्नाटक के गुलबर्गा में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप। वडोदरा के डांडिया बाजार में बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित निकले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरे, सतरंगी रोशनी से की गई सजावट। 12 मार्च से एक साल तक चलेगा उत्सव, 13 मार्च को सालगिरह के जश्न में शामिल होंगे राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश समेत कई दिग्गज हस्तियां। श्रीनगर में विंटर क्रिकेट का आयोजन, स्थानीय लोगों में जबरदस्त जोश। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को अखिलेश सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री ने फ्री बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। खादी के लिए पीएम की अपील के बाद राजस्थान सरकार की पहल, खादी पहनने के लिए जल्द ही जारी किए जाएंगे निर्देश। 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए राजस्थान में भरतपुर के मेयर, अगला चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी। हैदराबाद में हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्ती, अब तक 100 ट्रैफिक पुलिस वालों के खिलाफ चालान। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली में बना ग्रीन कॉरिडोर, इंदौर से लाए गए लिवर के लिए ट्रैफिक पुलिस ने किए बेहतरीन इंतजाम। जम्मू कश्मीर के विकास में सेना के योगदान को लेकर पुंछ में सेमिनार, राज्य की नामचीन हस्तियों ने की शिरकत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कम बारिश ने प्रवासी पक्षियों को किया परेशान, खेतों में डेरा डालने के लिए हो रहे हैं मजबूर। मथुरा में प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र के नाम पर रखा गया सड़क का नाम, डीएम ने किया लोकार्पण। तिब्बत की 97वीं सालगिरह के मौके पर बौद्ध भिक्षुओं का प्रदर्शन, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग। हावड़ा के बेलूर मठ में मनाई जा रही है रामकृष्ण परमहंस की 181वीं जयंती, देश भर से उमड़ी भक्तों की भीड़। बलूचिस्तान और गिलगित में पाकिस्तान को कुचल देने वाली नीति का विरोध, जेनेवा में यूएन दफ्तर के सामने प्रदर्शन। उत्तरी स्पेन के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी, बारिश का भी अनुमान। चिली में जंगलों की आग से बड़ी तबाही, साइप्रस के नेचुरल रिजर्व को भारी नुकसान। बोलिविया में जीका वायरस का बड़ा खौफ, सामने आए 14 मरीज। सीरिया में विद्रोहियों ने किया बड़ी कामयाबी का दावा, उत्तरी अलेप्पो शहर को आईएस के कब्जे से छीना। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है, साधी प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी मी हु इज गोइंग टू बी टॉकिंग टू यू, इट्स गोइंग टू बी मी हु इज गोइंग टू टेल यू व्हाट्स न्यू फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। वी हैव न्यूज़, वी हैव रिव्यूज, एंड वी हैव साहिल डूइंग द रेडमी नोट 3 रिव्यू। एंड